दोस्तों, इंडियन टैलेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक तो आपने ये देख लेना है कि आपके अगर घर में लाइट पंखे वगैरह जल रहे हैं तो आपने देखना है कि वो आपने उसका मेन स्विच जो है बंद करके जाना है, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी खतरा नहीं होगा, कोई भी स्पार्किंग की दिक्कत नहीं आएगी, जिससे क्या होता है कि आपका घर में आग लगने का या कोई भी चीज़ डिवाइस खराब होने का खतरा नहीं रहता। आपने मेन स्विच ही बंद कर दिया तो उससे कनेक्ट सारे स्विच अपने आप ही बंद हो जाएंगे। एक मेन स्विच बंद करके जाना है। नंबर दूसरा, आपने घर को अच्छी तरह लॉक करके जाना है। अपने पैसे वगैरह अगर घर में रखने हैं तो अच्छी तरह उसको तिजोरी में अलग जगह पे छुपा के जाइए। और दूसरा, आपने जो फ्रिज में अगर कुछ रखा हुआ है तो उसको भी आप बाहर निकाल के जाइए। अगर आप घर में आओगे तो वो बिल्कुल जहर बन चुका होगा, जो कि खाने के लायक नहीं रहेगा, इसलिए उसको बिल्कुल निकाल दीजिए, बिल्कुल मत रखिए। इसके अलावा आपने उतने ही कपड़े लेके जाने हैं जितने आपको जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि आप 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो 4 दिन के लिए आपको 2 दिन के ही कपड़े लेके जाने चाहिए, ताकि एक कपड़ा है जो सूट डालते हैं वो 2 दिन आराम से चल जाता है। जितने कम लेके जाएंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। ये नहीं कि 4 दिन के लिए जा रहे हैं और 4 ही सूट लेके जाएं, तो अगर आप हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, सभी चार चार सूट लेके जाएंगे तो बक्सा जो है भर जाएगा, तो आप ही को दिक्कत आने वाली है। एक सूट अच्छी तरह 2 दिन चल जाता है तो आप उसको चला सकते हैं, इसलिए कपड़े कम लेके जाएं। नंबर तीसरा, आप अपना शेड्यूल बना के जाएं कि आपने कितना पैसा वहां पे खर्च करना है, उस हिसाब से पहले ही आप कैलकुलेशन करके जाएं कि सुबह नाश्ते में हमें इतना ही बजट खर्च करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। दोपहर में फल फ्रूट में इतना ही लगाना है और रात की रोटी में इतना ही खाना है। जितना भी खाना है सबसे पहले आप अपना पूरा बजट कंट्रोल में रखना है, उतना ही खर्चना है। अपना दिल को बहलाना नहीं है, मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, नहीं, जितना बजट बना के गए उतना ही बजट खर्चना है। और इसके अलावा आपने अपना जो है अपने काम के बारे में ट्रैकिंग करते रहना है, ताकि आप अपना जो काम पीछे कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि उसको ट्रैक करते रहना है। ये ना हो कि आपका कोई ऑर्डर मिस हो जाए या आप किसी को सामान देना और लेना, जिससे आपको भारी नुकसान हो जाए। ये भी आपने स्टेप बाय स्टेप चीजें नोट करनी है। तो ऐसी और भी बातों के लिए हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि आप किस किस चीज का ख्याल रखें। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल में आते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हमारे चैनल का सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर आप हमारे चैनल का सदस्य बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।